सच साहस सरोकार। दिल्ली में पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का करेंगे उद्घाटन, शाम 7 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। मुंबई दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में मंत्री स्वतंत्र देव ने किया औचक निरीक्षण, सिंचाई विभाग के दफ्तर का किया निरीक्षण। गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका को गूगल ने किया याद, खास डूडल बनाकर दी श्रद्धांजलि। भारतीय सेना की ओर बढ़ी ताकत, सतह से हवा में मार करने वाली क्यूआरएसएम मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। फर्रुखाबाद के कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम कुटरा में 3 तालाब के पास अज्ञात शव मिला पड़ा, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय निवासियों ने अज्ञात युवक का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंच गई। वहीं मामले पर COCT प्रदीप सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तीन तालाब के पास एक शव पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के उपरांत जब शव को देखा गया तो शव को कुत्तों के द्वारा काफ़ी क्षति पहुंचाई गई है एवं हाथ पर राधिका लिखा हुआ है। पुलिस ने आसपास के जो गांव है, जो एरिया है, वहां पे जो मृतक है उसके परिजनों की तलाश की गई और साथ ही शव का पंचायतनामा पर PM के लिए भेजा जा रहा है। तालाब के पास एक अज्ञात शव मिला है, पुलिस भी पहुंच चुकी है, और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बताना चाहूंगा कि ये सुबह का वाकया है, जब कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम कोटरा के पास जहां पर एक अज्ञात शव मिलता है। स्थानीय निवासियों द्वारा सूचना दी जाती है, मौके पर पुलिस व फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि जो शव है वो बिछत बिछत है और पुलिस के द्वारा भी पुष्टि की गई है कि जो शव को वहां पर कुत्तों ने उसका निवाला बनाया है। वहीं शव में किसी नुकीले धारदार हथियार से कई बार गोदे जाने के भी निशान है, कहीं कह सकते हैं कि बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई है। इस पर परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी बताना चाहूंगा, अभी तक सबकी पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस सबकी पहचान कराने के लिए जो आसपास के गांव हैं उनमें जानकारी करवा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदरम जानकारी देने के लिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में युवक ने चोरी के शक में पुलिस ने बीते 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को सीरियस कंडीशन में कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उसको वेंटिलेटर पर रखा गया। जहां एक तरफ गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ युवक के परिवारजनों का इंदिरापुरम थाने पुलिस पर युवक को टॉर्चर करने का आरोप लगाया जा रहा है। मेरा बेटा जॉब करके आ रहा था, स्कूटी अपनी उसके पास, सारा कुछ है, वजह नहीं बताई।
क्योंकि मेरी बात नहीं, वो जाता है यहाँ से 8-9 के बीच में घर पे पहुँच जाता वो, मगर उस बार मेरी बात भी नहीं, मैंने कहा चला जाएगा, मैं तो इंतजार ही करती रही, मुझे पता ही नहीं चला कुछ भी मेरे बच्चे के साथ में क्या हुआ, किसने उठाया, क्या करा क्या नहीं करा। सुबह तक बिल्कुल ठीक था मेरा बच्चा, दोपहर में भी ठीक था कि अभी छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे, 2 घंटे बाद छोड़ देंगे, 3। मैं तो यही वेट करती रही, मेरा बड़ा बेटा आया हुआ था और उसके दोस्त आए हुए थे कि चलो अम्मी मैं लेके आ रहा हूँ अभी। अब पता चली तो मेरे बच्चे ने फ़ोन करा कि अम्मी अस्पताल आ जाओ क्या, मैंने कहा क्या हुआ मेरे बच्चे को, हुआ क्या है तो बता दे, मुझे भी 2-3 घंटे हो गए मुझे यहाँ बैठे बैठे, अभी तक दिखाया भी नहीं है मेरे बच्चे को। कल मेरे भाई को पुलिस ने 6 बजे उठाया। क्या नाम है भाई का? भाई का नाम समीर अहमद। कितनी उम्र? उसकी 23 साल उम्र। क्या बताइए, कल उसे उठाया, उसकी कॉल आई मेरे पे कि मुझे ऐसे पुलिस ने पकड़ लिया है, यहाँ पर आ जा। कहाँ? इंद्रपुर में अभिखंड चौकी में। मैं वहाँ गया तो पुलिस वालों ने मुझ पर भी दावा डाला कैसे, मैंने उन्होंने पूछा आप कौन, मैंने कहा मैं सिखाई, कैसे भी अंदर डालो जेल में, मेरे साथ मेरे एक दोस्त था उसे भी पकड़ा। फिर बाद में पुलिस वाला आया, उसने मैंने कहा मुझे भी कॉल करने दो, मुझे जो मुझे छुड़ाना आएगा, फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। फिर उसके बाद मैं चौकी से थोड़ा हट गया, फिर मैं वापसी गया तो मैं आवाज़ मार रहा था चौकी में, अंदर थाने में नहीं गया कि दरोगा साहब, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर इतने में एक पुलिस वाला आते हैं 2 स्टार, उन्होंने बोला उन्हें वहाँ ले गए MLC के लिए। हम वहाँ गए थाने में, पता चला वो वहीं बंदे MLC के लिए नहीं ले गए थे। फिर मैं सुबह गया मिलने तो मुझसे कह रहा मुझे कोई गलती नहीं है, मुझे टॉर्चर से कर रहे हैं ये। गाजियाबाद में मामूली विवाद में सोसाइटी के एक शख्स ने व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, साथ ही पत्नी के सिर पर ईंट मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस जांच में जुट गई। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना इंद्रापुरम क्षेत्र का है। कोई पहले कोई विवाद नहीं था, आपस में कुछ थोड़ा बहुत झगड़ा खास नहीं हुई जी, तो वहाँ से उसके झगड़ा किसी दिन छुट छुड़ा कर दिया, फिर दोबारा आया वो, उसके साथ झगड़ा हुआ तो कृष्ण कुमार पांडे था हाथापाई में झगड़े में, उन्होंने उसकी वाइफ को ईंट मार दी, ईंट या कोई भी धारदार सा हथियार था उसके हाथ में, जो सर फूट गया। जुड़े हैं प्रवीण, एक व्यक्ति को चाकू गोदकर, उसको चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई और उसकी पत्नी पर भी ईंट मारा गया है, और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए नंदनी, ये पूरा मामला गाजियाबाद के इंद्रापुरम का है, जहां पर एक पॉश एरिया के अंदर में सोसाइटी है अनुकंपा ग्रीन, जहां पर एक मामूली से कहा सुनी को लेकर जो व्यक्ति है दबंग किस्म का बताया जा रहा है, वहां पर लगातार वो नशे का सेवन करता है और लोगों को सोसाइटी में भी काफी धमकाता था, तो कहीं ना कहीं एक मामला ऐसा आया है सामने जो कि ये छोटी सी एक कहा सुनी थी, जिसमें एक कुर्सी, पहले तो कुर्सियों से मार की गई, उसके बाद जो जो व्यक्ति है पांडे जो वहां से फरार है उस समय पर, उसने अपने चाकू निकाली और चाकू प्रोफेशनल चाकू था, वो आम चाकू नहीं था क्योंकि उसके अंदर कवर भी था, तो कहीं ना कहीं उस चाकू से उसके पेट में कई वार किए जिससे कि मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि एक जिस तरह से एक अस्पताल ले जाना था तो अस्पताल ले जाने से पहले पहले वो मृत घोषित हो चुका था, कहीं ना कहीं जो अस्पताल पहुंचने के बाद ही वहां पर जिस तरह से जो अस्पताल के डॉक्टर थे उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया था, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा माहौल वहां क्रिएट हो रहा था, जिस तरह से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो सामने उनकी जो पत्नी है वो देख रही थी इस पूरे मामले को, अचानक वो नीचे उतरती है, वो बीच बचाव करने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी उन्होंने पत्थरों से वार कर दिया जिसमें उसको काफी गंभीर चोटें आई महिला को। बात करें अगर वहां के तस्वीर है उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हमला किया है काफी बता रहे काफी नशे में था वो व्यक्ति और काफी शराब पी रखी थी, जिसको लेकर उसको ये नहीं समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ,
हूँ, ये अनजाने मुझसे क्या हो रहा है, जानबूझ कर मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा मामला है गाजियाबाद में। इसमें जो मौके पर जिस तरह घटना हुई है वहाँ पर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच के वहाँ से जो सीडीआर है वो सब ले जा चुकी है। अब उसमें जो चीजें हैं कि किस तरह से घटनाक्रम स्टार्ट हुआ उस चीजों को खंगाला जाएगा, कहीं ना कहीं जो पुलिस है अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी सीसीटीवी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये काफी भयानक घटना है। इस तरह से छोटी मोटी जो कहासुनी हो रही है एनसीआर के अंदर में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी घटना है जिसको लोगों को समझना चाहिए कि छोटी छोटी कहासुनी को लेकर इस तरह से जो मौत के घाट उतार देना, ये कहीं ना कहीं कहीं उचित नहीं है। जी धन्यवाद आपका प्रवीण जानकारी देने के लिए हमें। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 3 में दुकान चला रहे एक व्यक्ति को तैनात दो पुलिसकर्मी फ्री में पानी न देने को लेकर दुकानदार के साथ बदसलूकी की, जिसके चलते जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो उसको धमकी देकर दुकान बंद करने की बात कही। वहीं पुलिस की जांच कर रही है। कुछ आपके साथ होता है बताएं। सर मैं से दो बाइक वाले आए, दो पानी बोतल पहले ले गए, ठीक है। मैंने बोला सर जी पैसे तो बोला हम स्टाफ के, तो दो दिन के बाद फिर हुआ है पानी बोतल ही, हमने बोला सर जी हमारे तो खरीद रेट है अब वो दे दिया करो 10-12 रुपये, तो बोले क्या आप मेरे से पैसे लोगे, सर जी हम भी तो खरीद के लाए हैं, तो मेरे को धमकाने लगे, गाली वाली देने लगे, कह रहे हैं कर्जे बढ़ा लेना, नहीं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं डर के मारे। लखनऊ में पैसेंजर्स की जिंदगी को खतरे में डालकर सफर कराने वाली डग्गामार बसें रोडवेज को हर माह लाखों रुपए का चूना लगा रही हैं। आपको बता दें कि यह डग्गामार बसें लॉन्ग रूट पर भी नहीं लोकल रूट पर भी खूब चल रही हैं। हालांकि इसकी जानकारी विभाग के अफसरों को भी काफी समय से ली है, लेकिन वो जानकारी अनजान बन रहे हैं। लेकिन जब घाटे में जा रहे रोडवेज को बचाने के लिए परिवहन मंत्री ने नाराजगी जाहिर की तो अफसरों ने डग्गामार बसों पर कार्रवाई शुरू की है। खबर देवरिया से है जहां के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के छात्र को दर्जनों की संख्या में युवक ने जमकर पिटाई की। किसी तरह घायल युवक को अपनी जान बचाकर कोतवाली पहुंचा और तहरीर देकर पूरी कार्यवाही की मांग की, तो वहीं पुलिस भी त्वरित कार्यवाही करते हुए जांच में जुट गई है। साथ ही घायल युवक के परिजन को भी कोतवाली गेट पर रोते विलखते नजर आए। लोग हैं जो आपको मारे हैं? अजीत यादव, बाप का नाम पट्टू यादव, अमित यादव, बाप का नाम केदारनाथ, और अक्षय गुप्ता, उसका पापा का नाम नहीं मालूम। कहाँ के रहने वाले? सब भटोलिया गया और वहाँ पे यादव के लिए। किस बात पे विवाद हुआ था? पता नहीं, हम स्कूल से निकले हैं, एक लड़का आया और दरिया हो गए, समझा रहे थे घर तो घर चले, तो घर ही 4-5, 9-10 थे सब, लुकाए थे सब और मार दिए हैं सब। ये विवाद पहले का भी था क्या? पता नहीं, हम सबको जानते भी नहीं हैं। आप किस विद्यालय के छात्र हैं? महाराजा अग्रसेन। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? सचिन कनौजिया। कहाँ के रहने वाले? भटोलिया के। गाजीपुर के जंगीपुर थाना इलाके में मऊ वाराणसी फोरलेन हाईवे पर बेकाबू कार की चपेट में आ गए। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे एक साथ टहलने के लिए निकले थे, तभी 3 लोग बेकाबू कार की चपेट में आ गए और 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसकी मौत हो गई। पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। डेली की बात है, जैसे डेली टहलने जाते हैं हम लोग, डेली जो है कि अपने रूटीन से टहलने के लिए निकले हम लोग 6 लोग, और टहलने के लिए निकल कर जा कर के ये बिलवा के पास अपने साइड से जो है कि पटरी पर टहलते हुए जा रहे थे लोग, अब पीछे से जो है कि ये वैगनार गाड़ी जो कि ड्रिंक वगैरह किए थे लोग उनके गाड़ी में बोतल वगैरह पाया गया, ये जो है कि पीछे से ही जा करके मार दिए धक्का, उसमें 3 लोगों को डायरेक्ट मार दिए, 3 लोग उसके चपेट में आ गए और बाकी 3 लोग हट गए, 3 लोग बच गए, 3 लोग के मौके पर जो है कि एक्सीडेंटल केस सुबह आया था जिसमें 3 डेड बॉडी बीडी आई थी, यहाँ पे ब्रॉड डेड आई थी। अच्छे लाल यादव, सन ऑफ स्वर्गीय बिक्रम यादव, 45 ईयर्स, मिठापारा जंगीपुर, तीनों पेशेंट हैं। विनोद यादव, सन ऑफ विक्रमा यादव, 40 ईयर्स, और दिवाकर यादव, सन ऑफ अक्षयवर यादव, 36 एज है। तीनों को जो है यहाँ पे मॉर्चरी में रखवा दिया गया, बाकी आगे के लिए पोस्टमार्टम उसका मैनेज कराया गया। इंजरी किस तरह?
खबर देवरिया से है, जहां के पीपर पाती नहर के पास 60 फुट लंबा घड़ियाल मिला है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। तो वहीं मछुआरे व स्थानीय लोगों की मदद से घड़ियाल को बाहर निकाला गया और साथ ही पशुपालन विभाग की सुरक्षित वन्य जीव टीम को सूचना दी गई। घड़ियाल की लंबाई 7 फीट बताई जा रही है। बोलन शहर पहासू ब्लॉक क्षेत्र के गांव सोही में राशन वितरण करते समय ग्राम प्रधान ने राशन डीलर पर जानलेवा हमला किया। वहीं राशन डीलर के सिर में गंभीर चोट आई, साथ ही राशन डीलर द्वारा थाना पहासू पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। 2 तारीख में जब वितरण हुआ कुछ ही कार्ड चढ़ पाए, फिर 3 तारीख में जब वितरण में कर रहा था तो प्रधान जी आए कुछ लोगों के साथ और बोले कि मशीन नहीं चल रही है तो बिना मशीन के वितरण किया जाए। क्या वारदात हुई है फिर? तो उसके बाद जब मैंने बोला कि मशीन के बिना वितरण नहीं होगा, तो वहाँ प्रधान जी के जो साथ आए लोग उनको उकसाया और उसने मेरे पीछे से सर पर वार किया लोहे की राड वगैरह, और मैं बेहोशी की हालत में गिर गया। और मैंने FIR भी कराई है डॉक्टर करा के, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ग्राम प्रधान ने आके इनके साथ में जो है वितरण के समय मारपीट करी है, और जो इनकी घरवाली हैं ये मैं राशन डीलर हैं, ये उस समय पे वितरण कर रही थी, और ये इनके पति हैं ये भी बैठे हुए थे। ग्राम प्रधान 5-7 आदमियों को लेके आते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं। क्या अभी तक कोई इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है? FIR कर दी गई है, लेकिन पुलिस पूर्ण तरीका से कार्रवाई नहीं कर रही है। संभल में सिरसी के पास SDM ने गोदाम में छापेमारी की। आपको बता दें कि गेहूं का अवैध गोदाम में छापेमारी की गई। राइस मिल की आड़ में काला धंधा करते थे, वहीं कालाबाजारी का आरोप छापेमारी के दौरान दस्तावेज नहीं मिल सका। ये गल्ला किसानों का बताया जा रहा है, जिसके बाद गोदाम को प्रशासन ने सील कर दिया है। 500 से 800 क्विंटल के आसपास का गेहूं है ये, जिसका रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है। वो दावा कर रहे हैं कि काश्तकारों का गेहूं है, लेकिन काश्तकार इनके पास किस आधार पर क्यों रख रहा है इसका कोई अभिलेखी साक्ष्य नहीं है इनके पास। तो इसलिए इसको सबसे पहले इसका तौल करा के कि वास्तव में कितना माल है, और चूंकि कट्टों के रूप में रखा गया तो अंडर क्या वास्तव में कहीं उचित दर बिक रहा था, खरीदे गए कट्टे तो नहीं मौजूद हैं, इसका भी परीक्षण कराया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ बरामद होता है कि इसमें उचित दर के विक्रेताओं से माल खरीदा गया है तो वैसी कार्रवाई की जाएगी, अदरवाइज जो कालाबाजारी का अगर राशन पाया जाता है तो वैसी विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरदोई में सांडी थाना क्षेत्र के मस्जिद के गेट पर अराजक तत्वों ने श्रीराम लिखे जाने पर विरोध किया, जिसके बाद विशेष समुदाय के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सांडी में कस्बे में मस्जिद में विगत रात्रि किसी समय किसी असामाजिक तत्व ने गेट पर कुछ लिख दिया था और कुछ दीवार पर पुताई भी कर पेंट भी लगा दिया था। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल उसको जो है साफ करा दिया गया है और मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर CCTV फुटेज वगैरह देखा जा रहा है और CDR और BTS आदि से भी तलाश किया जाएगा किसने ऐसा किया है। राजधानी लखनऊ में काव्य सतत साहित्य यात्रा के 8वें स्थापना दिवस के मौके पर शारदीय प्रकाशन की 3 पुस्तक बन अनुरागी कुकुड़ी और शरसैया का लोकार्पण किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता प्रसिद्ध समाजसेवी मनोरमा लाल ने की। वहीं इस मौके पर शारदीय प्रकाशन की प्रकाशिका निवेदिता श्री ने तीनों पुस्तकों के बारे में बताते हुए कहा कि पुस्तकें सच और यथार्थ को बयां करती हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार स्कूली बस ने साइकिल से स्कूल जा रहे 2 छात्रों को कुचल दिया। वहीं हादसे में 1 छात्र की मौत हो गई जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं गुस्साए परिजनों ने बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वो ड्यूटी गए हुए हैं। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है कुणाल। कक्षा 9 में पढ़ता है SB कॉलेज में। और इस बस वाले ने ओवरटेक किया, बताओ पहले सब लोग देख रहे हैं। आज तुम्हारी हालत है,
हमारी है तुम्हारी नहीं है, इस बस वाले को तो बस फूंक देनी चाहिए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।